सबसे पहले मैंने एक इमेज ओपन किया फोटोशॉप में, जो मैं रिटच करना चाहता हूँ। इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, स्किन में जो रेड कलर है ज़्यादा, इसको भी हम देखेंगे क्या करना है। तो इमेज कंट्रोल जे प्रेस करके इस इमेज की एक कॉपी ले लेंगे और कैमरा का फिल्टर में जाके इसकी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करेंगे। कैमरा का फिल्टर में जाके सबसे पहले ऑप्शन है बेसिक में, इसमें जाके हमने इसका जो डिहेज है ये थोड़ा बढ़ा देना है। डिहेज बढ़ाने के बाद सैचुरेशन भी थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि ग्रीन कलर है, ब्लू है, थोड़ा तेज हो जाए। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे और वाइब्रेंस थोड़ा कम करेंगे। अब ये स्किन कुछ ज़्यादा ऑरेंज हो गई है, रेड भी हो गई है, इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मिक्स कलर मिक्सर का। कलर मिक्सर में जाके सैचुरेशन पर क्लिक करें और हमने रेड और ऑरेंज को कम करना है तो रेड और ऑरेंज वाले स्लाइडर को लेफ्ट साइड पर ड्रैग करेंगे, ऑरेंज को भी और रेड को भी। तो ये देखें बिल्कुल वाइट हो गई है स्किन। अब जो ग्रीन है इसको हम थोड़ा तेज़ करना चाहते हैं, ग्रीन को इस तरह ड्रैग करेंगे राइट साइड पे। और जो ब्लू है इसको भी थोड़ा सैचुरेशन देना चाहते हैं तो ब्लू स्लाइडर को राइट साइड पे ड्रैग करेंगे और ओके ओके प्रेस करने के बाद देखें हमारे पास कितना चेंजिंग आ गया, बहुत ही अच्छी इमेज बन गई। अगेन कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और जूम आउट करेंगे, देखेंगे ये हमारे पास काफ़ी ये डार्क जगह है, इसको हम वाइट किस तरह करेंगे। अब हम विंडो पर क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शन है चैनल का। चैनल का ये जो ये पैनल है इसको हम ओपन कर लेंगे और आरजीबी चैनल है इस पर कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, इसको इन्वर्स करना है, यानी कि सिलेक्ट में जाके इन्वर्स पर क्लिक करना है या इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल प्लस आई, शिफ्ट कंट्रोल प्लस आई करेंगे ये इन्वर्स हो जाएगी। और कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी एक कॉपी लेने है। कॉपी लेने के बाद इसके इसका जो ब्लेंडिंग मोड है ये हम रख देंगे स्क्रीन, क्योंकि जो डार्क पार्ट है वो हमने सिलेक्ट किए थे और ये देखें लाइट हो गए। अब हमने पूरी इमेज को लाइट नहीं करना, सिर्फ स्किन को करना है, तो उसके लिए हम ऑल्ट प्रेस करके लेयर मास्क ऐड करेंगे और वो अब फिल्टर जो है वो हाइड हो जाएगा। अब जहाँ से हमने वो अप्लाई करना है वहाँ पर हम ब्रश टूल अप्लाई कर देंगे। ब्रश टूल लेंगे हम सॉफ्ट लेने के बाद इसकी ओपेसिटी रखेंगे 100 और जूम करके जहाँ पर हमने अप्लाई करना है, जो स्किन वाइट करने है हमने वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे ये ब्रश। ये याद रखें जो फोरग्राउंड कलर है ये वाइट होना चाहिए। अच्छा, तो वाइट करने के बाद यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे स्किन पर, ये देखें बिल्कुल वाइट होने लगी है हमारी स्किन। तो ये हमारे पास स्किन वाइट हो गई। आप इन तीनों को मर्ज कर लेंगे या दोनों को कर लें मर्ज, जैसे करें आप, ठीक है। अगेन हम कैमरा का फिल्टर में जाके थोड़ी और एडजस्टमेंट करते हैं, इसकी जो क्लैरिटी है वो भी बढ़ाते हैं। कलर मिक्सर को ऑफ करें और बेसिक में जाके इसकी क्लैरिटी थोड़ी बढ़ाते हैं, इसको थोड़ी सी सैचुरेशन देते हैं और जो ऑरेंज कलर इसको मजीद कम करते हैं। कलर मिक्सर में जाके सैचुरेशन पर क्लिक करें और ऑरेंज को थोड़ा कम कर दें। जो येलो है ग्लासेस में इनको थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि ये शाइनिंग वाले बने। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब हम लाइट्स को एडजस्ट करेंगे थोड़ा, ये रिफ्लेक्शन है इसको थोड़ा और लाइट करेंगे। उसके लिए हम डॉज टूल लेंगे और इसकी जो ओपेसिटी है या एक्सपोजर क्या लें इसको हम रखेंगे 10%। रखने के बाद ग्लासेस पर अप्लाई कर दें, इस तरह जहाँ पर लाइट है वहाँ पर हमने अप्लाई करना है थोड़ा स्लो और स्मूथ, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं लाइट, इन दोनों को कर लें मर्ज। कंट्रोल जे प्रेस करके एक और कॉपी ले लें इसकी। अब हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे चैनल मिक्सर में। अब ग्रीन को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रीन पर क्लिक करेंगे, रेड को थोड़ा सा कम करना है हमने और ब्लू को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ओके। इसके बाद हम यहाँ से एक लाइट ऐड करना चाहते हैं चारों तरफ से, ब्लैक लाइट। उसके लिए हम ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेडियंट कौन सा, ब्लैक वाला ग्रेडियंट लेके लीनियर से इसको हम करेंगे रेडियल और नीचे आपके पास ऑप्शन है रिवर्स का, रिवर्स कर लें यहाँ से, ओके कर दें। इसके बाद हमारे पास जो ब्लेंडिंग मोड है सॉफ्ट लाइट ये अप्लाई कर देंगे।
सॉफ्ट लाइट अप्लाई करने के बाद देखें पूरी इमेज पर अप्लाई हो चुका है, लेकिन इसकी हमने ओपेसिटी कम करनी है क्योंकि हमने जस्ट अप्लाई करना है बॉर्डर पर, तो इसके जो ओपेसिटी है अराउंड 40 रख के देख कितने 30, हाँ ये ठीक है। अब इन सबको मर्ज कर लें और अब देखें हमारे पास क्या रिजल्ट है। ये पहले थी हमारे पास ये डल इमेज है, कलर भी इतना पॉपअप नहीं है, लाइटिंग भी नहीं है, तो ये चीज़ देखें अब कैसे रिटच हो गई है। ये हर चीज़ सैचुरेटेड है, कलर सारे पॉपअप हैं, उठ के आ गए हैं सारे, ये ग्लासेज में रिफ्लेक्शन है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।